खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मझधार में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। आज दिल्ली में उनकी उसी 35 सदस्य कमेटी की अहम बैठक है जिसके सिर जिम्मा है वो आगे की क्या रणनीति तय करते हैं। आपको बता दें कि कमेटी के सदस्य पूर्व मंत्री सतपाल सिंह सांगवान एवं पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा के विधायक उदय भान के अनुसार आज प्रस्तावित बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे और कोई बड़ा फैसला लेंगे। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 8 समर्थक विधायक कांग्रेस छोड़ने के पक्ष में हैं तथा 4 कांग्रेस विधायक कांग्रेस में रहकर ही लड़ाई लड़ने के पक्ष में हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 सितंबर की रैली के बाद किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास एक एक दिन बहुत कीमती है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आर या पार का फैसला लेना ही पड़ेगा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार चुनाव के एक हफ्ता शेष रह जाने के कारण कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले 2 या 3 दिन में शीर्ष नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से संबंधित कमेटियों की घोषणा कर सकता है। अब ऐसी में बेरुखी की मार झेल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस को अलविदा भी कह सकते हैं। केएनएन मीडिया के लिए राजेंद्र कुमार के साथ अरुण दुहन की ब्यूरो रिपोर्ट।